वेलकम टू दुबई। इतने बंदे ये वीडियो देख रहे हैं ना, जितना मैं खुश हूँ उतना ही अगर वो भी खुश हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना। कम से कम भाई 2-2.5 लाख लाइक आने चाहिए इस वीडियो में। छोटो को हेलो। आज आपको एक खास चीज और बताता हूँ जो कि मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताई। H2 आने वाली है, लेकिन H2 से पहले हम एक और बाइक की डिलीवरी लेने वाले हैं। चाय की चुस्की। आवाज भी ना थोड़ी हैवी हो गई है, वो जैसा होता है ना इमोशनल वाला फील। कितना अच्छा लग रहा है भाई इतने दिनों बाद खुली सी रोड पे बाइक चला के। तो भाई टाइम दोपहर के 2:44 और अभी आपको दिखाऊं बाहर क्या काम चल रहा है। हाँ भाई, हो जाएगा आज की डेट में फिक्स, जो कि पिछले 2 महीने से चल रहा है, लेकिन फिक्स आज की डेट में ही हो जाएगा। एक ये अलमीरा बनवाई है हमने, एक ये अलमीरा। एक्चुअली इसके अंदर ना सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं, तो वो बाहर खुले में सही नहीं लगते थे, तो इसके अंदर हो गए। वहाँ भी कुछ सामान है, वो उसके अंदर हो गया। एक कॉर्नर पे भी हम एक चीज़ बनवा रहे हैं जो कि आज नहीं हो पाएगी शायद। और एक ये चीज़ देख रहे हो अब, ये क्या इतना लंबा सा एंगल। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना कपड़े डालने की जगह खत्म हो गई जब से हमने ये जाल लगवाया ना, तो ये बाहर ऐसे निकलेगा और ऐसे आएगा और वहाँ जाके ऐसे हो जाएगा जिसपे हम कपड़े डाल सकते हैं आराम से। कपड़े सूखने की जगह नहीं है तो ये लगवाना पड़ रहा है। तो अभी हम इसमें थोड़ी इंजीनियरिंग लगा रहे हैं कि ये इतना बाहर आएगा। हाँ, तो यहाँ से निकलने का स्पेस इतना सही है, मतलब अगर मैं निकलूंगा सर पे नहीं लगेगा ना। अभी का सीन है ना, आज हम कुछ तगड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस तगड़े को प्लान करने के लिए पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा हेलमेट पहना जाए। बिकॉज ये हेलमेट मैं नहीं पहनना चाहता क्योंकि ये ना ऑफ रोड हेलमेट नहीं है, तो मेरे को सारा सेटअप इसमें से निकाल के, माइक इसमें लगा हुआ है, ये गोप्रो जिसके अंदर लगता है वो इसमें लगा हुआ है, इनमें से किसी हेलमेट में लगाना पड़ेगा। और मेरा मन क्या कर रहा है ना, ये नया हेलमेट है जिसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना, तो सारा सेटअप इसके अंदर कर लेता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 बजे अपने को निकलना है, 3:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एक बार हम आरिफ भाई से पूछते हैं कैसा लग रहा है ये हेलमेट। बहुत सुंदर लग रहा है। सही में पक्की बात है, ये ना बेकार लग रहा हो। नहीं, अच्छा लग रहा है। तो अभी आरिफ भाई ने तो बता दी, एक बार आप भी बता दो। देखो मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। गॉगल नहीं लगाना पड़ेगा, इसके अंदर ही ग्लास है, ग्लास नीचे करा, बाइक चला ली, जब गर्मी लगी ग्लास ऊपर कर दिया, नहीं तो दूसरे हेलमेट में गॉगल लगाना पड़ता है, यहाँ से भी हवा जाती है। ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है, इसके अंदर सेटअप करते हैं और इसी को लेके चलते हैं। और जा कर रहे हैं, पहले सेटअप करता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। तो अभी ना एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, जो ये वाला सेटअप है ना इसमें लगाना पड़ेगा, तो इसको उतारना पड़ेगा और इसको उतारना पड़ेगा साथ में, हो सकता है ये जो ऊपर लगा हुआ है ना इसको भी उतारना पड़े, तभी इसमें फिक्स आएगा। और अगर इसको उतार दूंगा तो हवा अंदर जाएगी नीचे से। अभी देखता हूँ क्या करता हूँ, करता हूँ नहीं करता। जब भी आप मोटो व्लॉग का सेटअप करते हो ना, आपको दुनिया भर के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनको पार करके जो सेटअप बनता है ना भाई, वो बनता है A1। फाइनली हमने इस पे से सारा सेटअप उतार के माइक गोप्रो का माउंट सब कुछ इस पे लगा दिया, ऐसे माइक सेट कर दिया। और हमारे पास ना डक टेप भी खत्म थी, इतने टाइम से मोटो व्लॉग करा नहीं, अब कर रहा हूँ तो पता लग रहा है क्या चीज़ खत्म है क्या चीज़ नहीं है। तो सेटअप कुछ ऐसा लग रहा है, बस एक चीज़ रह गई, ब्लूटूथ जो कि इसमें लगा हुआ है वो भी मैं उतार के इसमें नहीं लगा रहा, कोई नया ब्लूटूथ मंगाऊंगा, इसमें भी लगा रहने दूंगा। इस हेलमेट को मैं यूज़ करता हूँ सुपर बाइक पे, इस हेलमेट को यूज़ करता हूँ मैं डर्ट बाइक पे या ऑफ रोड बाइक पे, तो इसके लिए नया ब्लूटूथ लगाऊंगा, इसमें भी लगा रहने दूंगा और इसमें भी लगा रहने दूंगा। और इस हेलमेट के अंदर ना सनग्लास भी है ब्लैक कलर का, और इसके ऊपर से भी अभी तक हमने टेप नहीं उतारी है, बिल्कुल ही नया हेलमेट पड़ा है ना। ये लो भाई, आज कर दी हमने इसकी अनबॉक्सिंग। कसम से कह रहा हूँ भाई, ये हेलमेट ना अभी मेरा फेवरेट बन गया है, जब भी कोई नया हेलमेट आता ना वो फेवरेट हो जाता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी आपको ढंग से चेहरा दिखाया तो मैंने सोचा एक बार फिर से गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं। और आज का सीन क्या है ना यार, आप लोग ना मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हो। अभी मैं जब समीरन के पीछे बाइक पे बैठा था ना, तो मेरा मन अंदर से ऐसा और था कि मुझे एक बाइक चलानी है, मुझे एक बाइक चलानी है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा भी कि क्या मैं लाइट बाइक चलानी शुरू कर दूँ या अपनी H2 का वेट करूँ। काफ़ी सारे बंदों ने कमेंट करा कि भाई आप लाइट बाइक चलानी शुरू कर दो, डायरेक्ट H2 मत चलाओ। तो मेरा मन में ना आ गया कि हाँ, वो अंदर से होता ना जब डॉक्टर कह रहे थे कि हाँ भाई आप बाइक चला सकते हो, तो वो अंदर से आता ना कीड़े दौड़ने लग जाते कि हाँ यार डॉक्टर ने कह दिया। उसके बाद भी मेरे को 10 दिन हो गए रुके, मैं अपनी बाइक का वेट कर रहा हूँ, लेकिन बाइक का कुछ अता पता नहीं है, हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 20 दिन लगे, तब तक बिल्कुल बाइक ही ना चलाऊं क्या। तो मेरे अंदर से भी और था हाँ चलाऊं चलाऊं चलाऊं। तो बस यार आज कसम से अंदर से ना जैसे वो मन होता है ना, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं यार, कितनी खुशी हो रही है। और जितनी खुशी मेरे को हो रही है ना, जितने बंदे अभी वीडियो देख रहे हैं, ये वाला सीन देख रहे हैं, उनको भी सेम वो फील हो रहा होगा जो अभी मेरे को फील हो रहा है कि फाइनली आज। पता क्या, एक राइडर होता है ना, वो अंदर से राइडर ही होता है, भले ही उसके बाद कुछ भी हो जाए, बचपन से हमने बाइकें ही चलाई हैं। यूट्यूब पे नहीं थे तब भी हम बाइक चलाते थे, ऑफिस में बाइक से आता था, कॉलेज में बाइक से जाता था, उसके बाद बाइक बाइक बाइक, तो दिमाग में हमेशा बाइक ही दौड़ती रहती है। अब जितने बाइकर होंगे ना वो मेरी फीलिंग समझ पा रहे होंगे। आवाज़ भी ना थोड़ी हैवी हो गई है, वो जैसा होता है ना इमोशनल वाला फील। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद बाइक चलाने वाला हूँ, बस भगवान कृपा करे सब कुछ ठीक रहे। और जितने बंदे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करना कि उनकी क्या फीलिंग है मेरे को देखकर, उनके मन में क्या आ रहा है, कुछ भी मन में आ रहा हो प्लीज़ कमेंट करना।
बस इतना ही, अभी रेडी होता हूँ, टी शर्ट पहनता हूँ, हेलमेट हमारा पूरा रेडी है। कौन सी बाइक चलाने वाले हैं नीचे जाके बताता हूँ, मतलब जहाँ मेरी बाइक खड़ी है वहाँ जाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कौन सी बाइक चलाने वाले हैं। अच्छा लग रहा सच में। अब तो भाई मैं भी सीढ़ियों से उतरता हूँ, अभी बाइक का वार्म अप भी करना पड़ेगा, और मैं अकेले नहीं जा रहा, हमारे साथ कौन जा रहा है, अभी मिलवाता हूँ। कौन सी बाइक चलाओगी ये मत बोल देना, ये मैं चलाने वाला हूँ। तुमने बोला तो तब भी नहीं मिलेगी, तभी तो करो बोलना मत, इससे पहले तुम बोलो फिर तुम्हें मजा ना आ रहा यार मेरे को ये। तो मैं चलाऊंगा भाई CRF, तुम एक्सपल चला लो, वापसी में मैं एक्सपल चला लूंगा, तुम ये चला लेना अगर चलानी हो तो, है ना? ठीक है ना? चलानी क्यों नहीं होती है। अपनी बाइक का वार्म अप डन, और मैंने इनको बोला था कि भाई अभी हेलमेट मत पहनो, अभी 5 मिनट लगेंगे बाइक गर्म होगी, पहली हेलमेट पहन के बैठ गई है। तो आज पूरे 6 महीने बाद मैं बाइक चलाने वाला हूँ। ये बोला H2 को छोड़ो, अगर ठीक हो ही गए हो तो इसे शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू कर सकते हैं, गाल दबे हुए हैं, शुरू शुरू ऐसे आवाज आ रही है, शुरू करने जा रही हूँ, मेरे दांत में वो लगे हैं। हाँ, नया हेलमेट है ना, इसलिए वो ऐसे दबा हुआ है। तो मुझे ना बहुत सारे बंदों ने बोला कि हाँ भाई शुरू करने है तो लाइट बाइक से शुरू कर, धीरे धीरे चला, जैसे H2 आएगी ना तब तक उसकी आदत भी पड़ जाएगी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं मैं बाइक भूल तो नहीं गया हूँ, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा। हाँ मैं फुल तैयार हूँ। एक्चुअली ये बाइक लाइट है ना, और पहले मैं सोचा था 1250 चला लूँ, लेकिन 1250 में क्या ना कम से कम 280 किलो की बाइक है। लेट्स गो। कुछ दिन पहले मैंने बाइक के पीछे बैठ के मोटो व्लॉग किया था, अब मैं खुद बाइक चला रहा हूँ, मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। कैमरे का एंगल का मेरे को आइडिया नहीं है, इसमें साइड मिरर भी नहीं है ना, तो मैं कैसे देखूँगी कैमरे का एंगल सही है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पहला मोटो व्लॉग है 6 महीने बाद, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना का टेढ़ा मेढ़ा होना। कहते हैं ना आज भगवान भी अपने पे मेहरबान है, यहाँ पर पूरा पानी भरा होता है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। मेरे को लगा था पानी मिलेगा, थोड़ा ऑफ रोड भी हो जाएगा, ऑफ रोड है लेकिन वाटर क्रॉसिंग गायब है। कसम से कह रहा हूँ जो मेरे को फील आ रहा है ना, मैं चाह के भी नहीं बता सकता, मतलब अलग ही लेवल तगड़े वाला। अब आप कह सकते हो कि भाई प्रभजोत अपनी फॉर्म में आ चुका है पूरी तरह, कितना अच्छा लग रहा है भाई इतने दिनों बाद खुली सी रोड पे बाइक चला के, मतलब बाइक इतने दिनों बाद चला रहा हूँ ऊपर से खुली रोड पे चला रहा हूँ, कहते ना सोने पे सुहागा। वेलकम टू दुबई। बाइक चलाते चलाते हम लोग दुबई पहुंच गए भाई। रोज मैं आपको इन छोटे वाले स्पीड ब्रेकर की कहानी सुनाता हूँ ना, आज ये मेरे को फील भी नहीं होंगे कि कब आए और कब चले गए। पता है आज मैं कह सकता हूँ कि 6 महीने बाद ये पहला दिन आया जिसको मैं, वो कहते ना एक बाइकर जो होता है वो खुल के तभी जी पाता है जब वो बाइक चला रहा होता है, तो 6 महीने बाद ये पहला दिन आया जिसको मैं पूरा महसूस कर पा रहा हूँ कि हाँ भाई आज मेरे को असली मजे आ रहे हैं। इन अंडरपास के नीचे से मैं रोज निकलता हूँ, लेकिन अपनी बाइक की आवाज सुनने के लिए तरस गया था कि कभी इस अंडरपास में मैं अपनी बाइक लेकर आऊंगा। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, जब से हमने इसका फ्रंट वाला स्प्रॉकेट बड़ा करा है ना हमारी CRF का, इसकी जो स्पीड है जो मीटर में दिखाता है ये 30-40 फालतू ही दिखाता है। अगर 50 की स्पीड से बाइक चल रही है तो ये दिखाता है 80 या 90। अब आप सोचो इतनी धीरे बाइक चल रही है ये दिखा रहा है 55, ये होगी 20 या 30 की स्पीड पे। वो देखो मैडम कहाँ जा रही है, ये अंडरपास में जाना है, आगे से आ जाओ कोई नहीं। और आज ना हम रोज के टाइम से जल्दी जा रहे हैं फिजियो करवाने, अभी टाइम देखोगे 4:30 हो गया, नहीं तो 6:30-7 बजे तो हम घर से निकलते हैं कभी कभी। जल्दी क्यों जा रहे हैं इसके दो रीज़न है, पहला कि हमें मोटो व्लॉग करना था, दिन में मोटो व्लॉग करेंगे, दूसरा मुंबई से हमारे एक मित्र आए हुए जो कि 6:30-6 हमारे घर पहुंचेंगे, तब तक हम फिजियो करा के पहुंच जाएंगे। तो ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से हम जल्दी निकले हैं घर से।
बस मैं इतना चाहता हूँ जितने बंदे ये वीडियो देख रहे हैं ना, जितना मैं खुश हूँ उतना ही अगर वो भी खुश हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना। कम से कम भाई 2-2.5 लाख लाइक आने चाहिए इस वीडियो में, तब मजा आएगा। तब मेरे को लगा कि हाँ भाई जितनी खुशी मेरे को है ना उतनी खुशी आपको भी है। मुझे लग रहा है आज सबसे कम टाइम लगा होगा हमें फीजे सेंटर पहुँचने में। बाइक को अंदर ही लगा दूँ क्या या यहाँ कॉर्नर पर लगा देता हूँ। हम तो पहुँच गए, लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है, आ गई ये भी। आज खुश तो बहुत होगी तुम है भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ, मजा आ गया आज बाइक चला के। और सबसे मेन चीज, जाम वाम की कोई टेंशन नहीं, घर से निकले और यहाँ कब पहुंच गए पता ही नहीं लगा। मतलब ऐसा लग रहा है क्या ही बाइक चलाई है यार, 14-15 किलोमीटर फील ही नहीं हुआ। ठीक है, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आज थोड़ी चलाई है, कल फिर थोड़ी और ज्यादा चलाएंगे, फिर लॉन्ग राइड पर जाएंगे। क्या मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब वह चार चांद होते हैं ना, देखो मेरे सारे दांत चमक रहे हैं वैसे वाले चांद लग गए। चलो ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। अब बता है, जब से इसके बाल कटाए हैं ना, ये ऐसा लगता है एपी का बच्चा है, छोटा एपी। ओए ओए, यहाँ शक्ल तो दिखा दे इतने सारे। अच्छा ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ले ये ले, ये ऐसे ही देखता है इसको, बोलो ना ये ले बुद्धू बनाया। कोको पार्ट टू हो गया ये भी, ये देखो ना। चल को तो मैं बताऊं, तो अपनी एक्सरसाइज का 90% पार्ट खत्म हो गया था, 10% बचा हुआ था। लेकिन हमारे भाई का फोन आ गया कि घर पे पहुंच गए, यहाँ से 10 मिनट ही लेंगे तो हम निकल रहे हैं घर के लिए। अगर चाबी नहीं लग रही ना तो तुम चलाओगी भी नहीं है। ऐसे कहना था पहले गाड़ी में लग जानी थी उसकी। ओए लग गई भाई। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, बहुत बंदों को ना गलत फहमी है कि जिनको बड़ी बाइक चलाने की आदत पड़ जाती है ना उनको बड़ी बाइक में मजा आता है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो असली बाइकर होता है ना उसको कोई भी बाइक दे दो उसको हर बाइक में मजा आता है। मेरे को इसमें भी मजा आ रहा है। आप मानोगे नेपाल से मैं सियरा चला के लेकर आया था कम से कम 1200 किलोमीटर, और नेपाल में मैंने बहुत चलाई थी तो वो भी छोटी बाइक है, 200-250 सीसी की बाइक है। उसमें मेरे को उतना मजा आता है जो मैं अपनी BMW 1250 चलाता हूँ, उसमें भी मेरे को उतना मजा आता है। आई थिंक जो इस बाइक का फ्रंट वाला टायर है ना उसमें हवा थोड़ी कम है, देख रहे हो हैंडल हल्का हल्का बबल मार रहा है। सूर्य देवता अपना पूरा प्रकोप फेंकते हुए, इनका भी जाने का टाइम हो रहा है 5:44। ये सबसे बढ़िया टाइम है, टाइम से गए, टाइम से अपनी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, टाइम से हमने वीडियो भी बना ली, बाइक भी चला ली, मोटर व्लॉग भी कर लिया, आज सारे काम हमने टाइम से कर दिए। तो आज आपको एक खास चीज़ और बताता हूँ जो कि मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताई, एक बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है। काफ़ी बंदे सोच रहे होंगे कि हमारी H2 वापसी आने वाली है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये स्टोरी लगाई थी कि एक बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला, सब ने ही बोला भाई H2 आने वाली है, H2 आने वाली है। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, H2 आने वाली है, लेकिन H2 से पहले हम एक और बाइक की डिलीवरी लेने वाले हैं। बहुत ही तगड़ी बाइक है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इस बाइक की डिलीवरी लेने वाले हैं। एक आधी वीडियो में शायद मैंने बताया था कि मेरे को एक बाइक और चाहिए, तो उस बाइक पे मैं थोड़ा ट्रैवल करने वाला हूँ। मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ सुपर बाइक छोड़ के, टूरिंग बाइक छोड़ के एक बाइक मेरे को और चाहिए, वो वाली मैं लूँगा, उस पर थोड़ा ट्रैवल करूँगा। तो बहुत जल्दी वो बाइक आने वाली, हो सकता है 1 या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। तो जब भी डिलीवरी लूँगा मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाऊंगा, जितने बंदे आ सकते हैं आएँ, आप लोगों के साथ बैठ के डिलीवरी लेंगे, बातें बातें करेंगे, फोटो वोटो क्लिक कराएंगे। होता क्या है ना, जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और खुशी में फैमिली आए तो और भी अच्छा लगता है। तो बस मैंने आपको बता दिया, अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। इंस्टाग्राम पर जल्दी अपडेट मिलेगा और यूट्यूब पर थोड़ा लेट अपडेट मिलेगा। एकदम से नारियल पानी वाले भैया दिखा रहे यार, वो निकल गए, उसको कॉल करके वापसी बुलाता हूँ, एक नारियल पानी पी लेता हूँ। एक दिन नारियल पानी। अरे यार मैं तो भूल ही गया हेलमेट पहना हुआ है। भैया एक बार पकड़ना ज़रा, पूरा हेलमेट नहीं उतारा, ऐसे ही पी के हेलमेट पहन के निकल पड़ूंगा। थैंक यू भैया। और मैडम को जब तक मैंने कॉल किया कि नारियल पानी के लिए रुकना है, वो तब तक घर पहुंच गई, कह रही मैं तो घर पहुंच गई, कोई नहीं अब घर ही आ जाओ डायरेक्ट, जो नारियल पियोगे ना उसकी मलाई लेते आना। मतलब चलो ठीक है भाई, ले ली मैंने मलाई। यहाँ से तो जगह ही नहीं है बाइक घुसाने की, चलो यहीं लगा देते हैं फिलहाल के लिए। नारियल पानी पीने के चक्कर में 5 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट भाई को वेट करा दिया, इसलिए हमारे रंगीले भाई से कैसा है भाई दोबारा मिल रहा है कैमरे के लिए, और लाइट ना एकदम वो बढ़िया वाला इफेक्ट, नहीं बढ़िया वाला इफेक्ट दे रही है एकदम ना, चश्मे वश्मे पे दे रही है क्या? हाँ भाई तो स्मार्ट है ये। और सब भाई लोग सब बढ़िया एकदम मजे में, शफीक भी आया भाई तेरे को तो भाई, इसके अलग फैन फॉलोइंग है, तभी तो मैं इसका नाम अलग से लेके बोला, मतलब ये भी आया भाई, इसकी अलग फैन फॉलोइंग। जब तू नहीं आया था तो मैं तो घूम ही रहा था, छोटो को हेलो भी बोल दिया। मतलब तू सारे व्लॉग देख रहा है इसका मतलब, हेलो। देख अपने यहाँ दिखाने वाला ना एक ही रूम है, हर किसी को मैं वही रूम दिखाता हूँ कि भाई ये इस रूम में बादल है, आओ बादल को एंजॉय करो बस।
रावण की तरह जैसे तू चुप हो जाएगा ये बंद हो जाएंगे एकदम। अरे वाह, ये मजेदार चीज है भाई, ये चीज अपने को भी लगाना मांगता है। हाँ भाई, ये बढ़िया, जब तक म्यूजिक चल रहा है ये जिंदा है, जैसे ही म्यूजिक बंद ये एकदम शांत हो गए हैं। कलरफुल है पूरे। ए छूट छोटो को हेलो। इतने दिन से पैकेट पड़ा ना खजूर का, मेरे को हाँ मेरे को खाने को नहीं हो रहा था, लेकिन आज फाइनली खजूर का पैकेट खुल गया, तो अभी रोजा खुलने का टाइम हो गया। क्या टाइम था, 6:45 45 के बाद कभी भी। लो भाई चाय का चेयर, चाय की चुस्की। प्रज्वल के बाइक चलाने गया ये बात। तो अभी सलीम बाइक की ट्राई ले रहा है, घर जाके कौन सी बाइक खरीदी जाए, पहले CRF फिर उसके बाद अपनी हस्की। ये बात अपने लिए ट्रैक बनाया था। हाँ ये ट्रैक मैंने नहीं, अपने लिए नहीं, तेरे लिए बनाया है कि तू आ रहा था, मैंने यहाँ पत्थर के दबा दी कि भाई एकदम बढ़िया अच्छे से टेस्टिंग हो जाएगी। क्या बात है भाई, क्या ही स्किट मारी है। तो रोज के टाइम से आज हम डिनर बहुत जल्दी कर रहे हैं, वैसे हमारा डिनर का टाइम पता था 11 बजे, 11:30 मतलब जब मन कर रहा है। चलो भाई लोग अभी सबको बाय बाय, छोटो को हेलो और बड़े को पैरी पोना। हाँ अगली बार आएगा पूरा याद कराऊंगा, आज आधा याद कराया ना इस बारी। चलो भाई सबको बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आएगा। देखो यार आज की जो वीडियो थी ना, मतलब आज का जो दिन था मेरे लिए तो बेस्ट था, 6 महीने बाद मैंने बाइक चलाई है, मतलब दिल से अच्छा लग रहा है। और मेरे को पता है जितनी खुशी मेरे को हुई है ना उतनी खुशी आपको भी हुई होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लेना, लाइक करे ना बिल्कुल मत जाना, भर भर के लाइक करना, मतलब पता लगना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा भाई खुश है। तो मेरी फैमिली भी जो भी वीडियो देख रही है ना वो भी दिल से खुश है, यहाँ तक देख लिया लाइक करे ना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।